तो दोस्तों यार इस वीडियो में यार बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, तो यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये जो देख रहे हो जिस पे मैं इशारे कर रहा हूँ ये है पवन चक्की। यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड आगे भी आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखो पवन चक्की है जो कि बहुत ही खूबसूरत है एंड मैं इसी तरफ इशारे कर रहा था कि आप देख लो क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लगने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो दोस्तों वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर जो है आया था इस होटल में, जो कि यहाँ पर इतनी टेस्टी खीर थी, आप पहले देखो उसके बाद आप कहोगे कितनी अच्छी है। तो देखो यार ये इतना टेस्टी था कि मैं क्या बोलूँ यार, इतना ज़्यादा मतलब टेस्टी था। मैं खाया यार, मैंने बोला पहली बार मैंने ऐसी खीर खाई थी। तो अभी इस वीडियो में और कुछ दिखाने वाला हूँ तो आप देखो वो भी। खीर वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा भाई थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इस होटल में। तो यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह था और मतलब काफ़ी टेस्टी यहाँ का आइसक्रीम होता है, और ये होटल है और यहाँ पे कुछ सामान मिल रहा है एंड ये बाहर का सीन है, और बाहर का सीन में पीछे उस तरफ पहाड़ वगैरह है, इस तरफ ट्रक वगैरह, ढेर सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। तो अब धीरे धीरे हम अपने कार की तरफ चलते हैं। भाई इधर देखो मतलब पेड़ पौधा छोटे छोटे लगा रखे हैं और ये अपनी कार भाई खड़ी है, इसमें हम बैठ के उसके बाद निकलेंगे। तो बाहर से भी थोड़ा उसका नज़ारा मैं दिखा देता हूँ मतलब होटल का। तो ऐसा होटल है जहाँ पे मतलब टेस्टी खीर खाई हमने, और भी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ तो चलो और भी आगे दिखाता हूँ आपको। तो वहाँ से कार से निकले तो हमने सोचा ये खूबसूरत सा प्लेस आपको दिखा देता हूँ। ये हम पहुँचे थे नासिक, देखो कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा था। और भी इसके बाद हम नाइट वाला सीन दिखाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, खाई वगैरह था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बादल थे नीली नीली, तो और भी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप बस वीडियो के एंड तक देखना यार, आपको अच्छा ना लगे ना तो मेरे से बोलना यार कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है ये वीडियो। तो उसके बाद हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ इस होटल में आए थे, जो कि थोड़ी मौज मस्ती हम लोग कर रहे थे। देखो बत्तख वगैरह कितने अच्छे थे, तो हमने सोचा चलो वहाँ पे झूले पे बैठते हैं। ये जो है ये हम लोग झूले पे बैठे थे और मैं ऐसे अपना बाल सही कर रहा था, उसके बाद मैं झूला धीरे धीरे मतलब पैर से ढकेल रहा था और झूला कैसे मतलब चल रहा था। और ये देखो कितने अच्छे बत्तख थे, यहाँ पर कितना सारा खिलौना था बच्चों को खेलने के लिए, तो मतलब बहुत ही मज़ा यहाँ पर आ रहा था। और वो भैया कुछ कॉमेडी वगैरह बोल रहे थे हंस रहा था, देखो ये झूला कितना अच्छा चल रहा था। अभी हम नाइट वाला दिखाएंगे जो कि हम नासिक के आगे आ गए थे, वहाँ पे रुके थे, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते भाई रात हो गया था, ये नासिक के बहुत आगे आ गए थे हम लोग, हमने 12 बज गया था यहाँ पर। तो हम लोग सोचे खाना खा लेते हैं, तो वही खाना खाने जा रहे हैं। और ये देखो गाड़ियाँ यहाँ पर KTM वगैरह कितनी अच्छी अच्छी खड़ी थी भाई, देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मतलब एक खतरा रहता है, ये थोड़ा पहाड़ी एरिया में है और नीचे एरिया में, तो इसलिए यहाँ पर शेर वगैरह का खतरा रहता है। वो देखो मेरी कार खड़ी है, मतलब हमारी कार खड़ी है, और हम लोग को खाना खाते वक्त तो मतलब 12 पूरा बज गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हमने वहाँ पे अपनी कार लगा दी, उसके बाद हम इस होटल में आ गए। तो इस होटल में मतलब सारे लोग बैठे थे, चाचा हम और भाई, और यहाँ पर मैं बता रहा था सबको कि भाई मतलब यहाँ पर शेर वगैरह का खतरा रहता है वहाँ पर, और इस नीचे एरिया में पड़ता है तो इसीलिए मतलब थोड़ा डर रहता है, इसीलिए डर डर के सब लोग रहते हैं। और यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना था, मतलब मज़ा आ गया। तो और भी चीज़ें दिखाएंगे हम, अब फिलहाल वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। बाय बाय।